नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी नागरिकता पर घिरी मोदी सरकार की, महागठबंधन की शुरू हुई कवायद की, जानेंगे कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आएंगे साथ, यूपी में कांग्रेस की मजबूती के लिए क्या है प्रियंका का प्लान, और आखिर में बात नए साल में चिंता बढ़ा रही बेरोजगारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिवसेना को आड़े हाथों लिया, कहा मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना ने अपनी विचारधारा से समझौता किया, कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना सत्ता के लिए एक साथ आए। बिहार में प्रशांत किशोर और बीजेपी की तनातनी के बीच एलजेपी ने शुरू की चुनावी तैयारी, सूत्रों के मुताबिक राज्य की 119 सीटों पर तैयारी कर रही है एलजेपी। कल होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद के साथ अहम बैठक, सभी मंत्रालयों के अगले 5 साल के प्लान जानेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में सभी 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूरी ताकत झोंकने का लिया फैसला। हरियाणा में बीजेपी संगठन में होंगे बड़े बदलाव, नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर लगेगी मुहर, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़ और रामविलास शर्मा अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 162 अंकों की गिरावट के साथ 41,465 पर पहुंचा, निफ्टी 56 अंक लुढ़क कर 12,227 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर नागरिकता पर जारी घमासान की। आज भी देश भर में इसके खिलाफ लोग सड़क पर उतरे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर तरफ इसकी मुखालफत जारी है। वह अब SC ST वर्ग भी इस असंतोष में कूद पड़ा है, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर राजीव रंजन जी मौजूद हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्वाति। तो राजीव जी, नागरिकता पर जारी इस असंतोष में अब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भी शामिल हो गए हैं, इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए स्वाति, नागरिकता देशव्यापी मसला है, इसे किसी जाति और समुदाय से बांधकर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल इसे एक समुदाय से जोड़कर बता रहा है, जो विरोध हो रहे हैं उसके पीछे भी उन्हीं का हाथ बोला जा रहा है, जबकि इसके विरोध में छात्रों से लेकर के कई विपक्षी दलों को हमने सड़कों पर देखा है। इसके बाद भी अगर सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है तो उसे बड़े तौर पर विरोध झेलने के लिए तैयार भी रहना होगा। दूसरी तरफ जिस प्रकार के बयान मोदी जी, अमित शाह और उनकी टीम के आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि यह विवाद जल्दी नहीं थमने वाला। इसी कड़ी में अब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भी शामिल हो गए हैं, जो मोदी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ग के लोगों का समर्थन नहीं मिलने के कारण ही झारखंड चुनाव में बीजेपी को हार नसीब हुई है। सामने दिल्ली और उसके बाद बिहार का चुनाव है, जो बीजेपी के लिए और भी तकलीफदायक हो सकता है, क्योंकि SC और ST अगर इनके साथ नहीं आएंगे तो पूरा का पूरा जो उनका जो चुनावी गणित है वो बिगड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी इस जानकारी के लिए। वैसे नागरिकता को लेकर जैसे जैसे मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, उससे उसका जनाधार भी खिसकता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कमजोर होती बीजेपी को और मजबूर करने के लिए अब महागठबंधन की कवायद फिर तेज होने लगी है, जिसे लेकर अब ममता बनर्जी ने NCP प्रमुख शरद पवार को विपक्षी एकता को लेकर चिट्ठी लिखी है। राज्य के विधानसभा चुनाव में भले ही विपक्षी दल एकजुटता का नारा लगाते हैं, बीजेपी को ललकारते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव तक एकता की ये आवाज धीरे धीरे दबने लगती है। राजनीतिक दलों की राहें अलग होने लगती हैं। 2019 के चुनाव में भी साथ आने की बात तो थी, लेकिन विपक्षी हाथ ना मिला सके। मगर महाराष्ट्र में जिस तरह से महागठबंधन बनकर उभरा, उसने केंद्र की सियासत में फिर से एकजुटता की कवायद शुरू कर दी है, जिसकी धुरी बन रही हैं पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी, जिन्होंने शरद पवार को चिट्ठी लिखकर पूरे विपक्ष को एक मंच पर लाने की अपील की है, जिसका खुलासा खुद NCP सुप्रीमो शरद पवार ने किया है। उन्होंने कहा कि मुझे ममता का पत्र मिला है, उन्होंने अनुरोध किया है कि आप जैसे लोगों को इस बारे में पहल करनी चाहिए और इस पर चर्चा के लिए बैठक बुलानी चाहिए। शरद पवार ने कहा कि हम दूसरों से इस मुद्दे पर बात करेंगे और देखेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लोग महाराष्ट्र में हुए प्रयोग को देख रहे हैं, लोग विकल्प चाहते हैं और यह एक पार्टी द्वारा संभव नहीं है, हमें साझा कार्यक्रम पर एक साथ आने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने शरद पवार से अपील ऐसे वक्त में की है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव सर पर है, यानी उनका संकेत साफ है कि बंगाल में भी बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक दल एक साथ आ सकते हैं, जिसके संकेत पहले से मिल रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए सभी दलों को एक साथ लाना चाहती हैं, ताकि किसी भी सूरत में बीजेपी को उनके किले में सेंधमारी का मौका ना मिल सके। बहरहाल चुनाव से पहले अभी तो केवल संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन की इस कवायद में कौन कौन से दल फिट बैठते हैं।
एक तरफ जहां केंद्र में बीजेपी की जड़ें खिसकाने के लिए ममता बनर्जी और शरद पवार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में भी बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रभारी पीसी चाको ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने दिल्ली के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। तो ऐसा क्या कुछ कहा है पीसी चाको ने, आइए देखते हैं। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आएंगे साथ? क्या चुनावी परिणामों के बाद दोनों दलों में होगा गठबंधन? ये तमाम सवाल दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको के बयान के बाद उठ रहे हैं। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो आपके साथ सरकार बनाने में गुरेज नहीं करेंगे। दरअसल पीसी चाको विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर बयान दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा जिसमें कांग्रेस के बगैर सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मानती है कि उसका वोट बैंक आप ले गई है, अब उसको वापस लाने के लिए पूरी राजनीतिक बिसात कांग्रेस ने बिछा ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में हमारा बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत गवाह है कि कांग्रेस वापसी कर रही है। हमें उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में जीत हमारी ही होगी, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस के बिना दिल्ली में सरकार नहीं बनने वाली है। चुनाव से पहले हमने आम आदमी पार्टी से बातचीत नहीं की है, लेकिन परिणामों के बाद अगर जरूरत पड़ी तो आम आदमी पार्टी से समझौता किया जा सकता है। पीसी चाको का यह बयान अपने आप में काफी बड़ा है जो बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि 2013 के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। 2013 में आम आदमी पार्टी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि सत्ता पर काबिज कांग्रेस को महज 8 सीटें मिली थी। इसी चुनाव में 8 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देकर उसकी सरकार बनाने का रास्ता साफ किया था, लेकिन 49 दिनों बाद ही अरविंद केजरीवाल ने पद छोड़कर सरकार गिरा दी थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस और आप के साथ आने के संकेत मिले थे, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन सकी, जिसका खामियाजा दोनों दलों को भुगतना पड़ा है। इस बार के चुनाव में भी सभी दल अपने दम पर मैदान में हैं, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दिल्ली के बाद अब रुख कर लेते हैं राजस्थान का, जहां आज बीएसपी को बड़ा धक्का लगा है क्योंकि सूबे में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने आज औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसे लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती काफी नाराज हैं। राजस्थान में वैसे तो बीएसपी का पिछले साल सितंबर में ही सफाया हो गया था, जब 16 सितंबर को राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायकों ने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कर दी थी। इन सभी 6 विधायकों ने बीएसपी विधायक दल के कांग्रेस में विलय को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी को पत्र भी सौंपा था, लेकिन ये अब तक कांग्रेस के सदस्य नहीं बने थे। मगर आज इन 6 विधायकों ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने वाले विधायकों में राजेंद्र गुढ़ा, वाजिब अली, जोगिंदर अवाना, संदीप यादव, दीपचंद खेरिया और लाखन सिंह का नाम शामिल है। इसके साथ ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या अब 100 से बढ़कर 106 हो गई है। इससे पहले राज्य में कांग्रेस सरकार को बसपा का समर्थन मिला हुआ था, लेकिन अब ये सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इनका कहना है कि वो गहलोत सरकार के कामकाज से काफी खुश हैं, इसीलिए ही उन्होंने साथ आने का फैसला लिया। उनके इस कदम से जहां कांग्रेस कदकद है, तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती काफी नाराज है, जिसे लेकर वो पिछले काफी वक्त से ही कांग्रेस को घेर रही हैं। मायावती का कहना है कि कांग्रेस उन पार्टियों को ही आघात पहुंचाने का काम करती है जो उन्हें समर्थन देते हैं, और आज भी कांग्रेस ने ऐसा ही किया है। राजस्थान में जहां कांग्रेस पहले से और मजबूत हो गई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इसके लिए प्रियंका गांधी जहां युवाओं को आगे ला रही हैं, तो वहीं वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी दूर करने का प्लान भी बना रही हैं, ताकि अन्य दलों को करारा जवाब दिया जा सके। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद पिछले साल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव किए, जिसे लेकर प्रियंका सोच रही थीं कि इससे पार्टी और मजबूत होगी, लेकिन इसके बाद तो ऐसी उथल पुथल मची कि पार्टी के वरिष्ठ नेता ही झुंझला गए और 10 नेताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी का साथ छोड़ दिया। यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिराज मेहंदी ने तो सोनिया गांधी को पत्र लेकर प्रियंका गांधी के कामकाज पर सवाल ही उठा दिए थे, जिसके बाद अब आगामी चुनाव के मद्देनजर प्रियंका गांधी ने अपनी गलती सुधारने का मन बना लिया है। खबर है कि प्रियंका गांधी ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी दूर करने की कवायद तेज कर दी है, जिसके लिए प्रियंका पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए लंच या डिनर आयोजित करने की योजना बना रही है, जिसमें पूर्व सांसद या विधायक शामिल हो सकते हैं। पार्टी के एक नेता ने बताया कि अब दिल्ली में जल्द ही लंच या डिनर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं।
इस कार्यक्रम का मकसद उन वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचना है जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। आपको बता दें कि इसके संकेत पिछले दिनों लखनऊ दौरे पर आई प्रियंका गांधी ने भी दिए थे। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि पार्टी को फिर से जीवित करने के लिए हमें युवाओं की ऊर्जा और वरिष्ठों के अनुभव की जरूरत है। तो प्रियंका गांधी अपने प्लान में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये देखना होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मात देने के लिए प्रियंका गांधी पूरी तरह तैयार है। प्रियंका पार्टी की मजबूती के लिए लगातार कदम उठा रही हैं। ठीक ऐसे ही बिहार में आगामी चुनाव को लेकर आरजेडी भी जेडीयू को घेरने की कोशिश कर रही है। अब गणतंत्र दिवस में बिहार की झांकी की अनदेखी करने को लेकर आरजेडी, जेडीयू और केंद्र सरकार पर बरसी है। बिहार ने हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस परेड में अपने राज्य की झांकी को स्थान दिलाने के लिए रक्षा मंत्रालय को प्रपोजल भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने 2019 की तरह इस साल भी बिहार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा गया कि यह राज्यों की झांकियों के चयन के लिए जरूरी मानकों को पूरा नहीं कर सकी, जबकि जिन राज्यों की झांकियों का चयन किया गया है उनमें आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इसके अलावा शिपिंग मंत्रालय, गृह मंत्रालय समेत 6 मंत्रालयों विभागों की झांकियों को भी मंजूरी दी गई है। ऐसे में बिहार की अनदेखी को लेकर अब राज्य की राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी आरजेडी ने झांकी का प्रस्ताव खारिज होने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि केंद्र की राजग सरकार बिहार को प्रत्येक मौके पर नीचा दिखाने की कोशिश करती रही है। बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग हो या फिर पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग, सभी मांगों को खारिज किया गया है। बिहार को नीचा दिखाने के लिए ही यह डबल इंजन की सरकार है और यही हकीकत है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पहले ही आरजेडी राज्य सरकार को आड़े हाथों ले रही है। पिछले दिनों भी आरजेडी ने पटना में पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार को घेरा था और 15 साल के कामकाज का हिसाब मांगा था, जिसके बाद अब बिहार की झांकी का प्रस्ताव खारिज होने पर आरजेडी को एक और मौका मिल गया है। ऐसे में अब जेडीयू आरजेडी को क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी नए साल में चिंता बढ़ा रही बेरोजगारी की। बीते साल जहां जीडीपी ने सरकार की चिंता बढ़ाई तो वहीं बेरोजगारी दर ने भी सरकार को खूब मुश्किल में डाला और ये चिंता नए साल में भी मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा रही है, क्योंकि थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो रिपोर्ट सामने आई है वो यही बता रही है कि दिसंबर महीने में भी बेरोजगारी ने छलांग लगाई है। नए साल को लेकर लोग उम्मीद कर रहे थे कि 2020 में सब मंगल ही मंगल होगा। 2019 में जिन मुश्किलों ने उनकी चिंता बढ़ाई थी उससे राहत मिलेगी, लेकिन साल के पहले दिन ही जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ गया। एक तरफ जहां रेलवे का किराया बढ़ा तो वहीं रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि नए साल में भी लोग रोजगार को लेकर मुसीबतों का सामना करते रहेंगे। जी हां, बेरोजगारी की दर बढ़ने का सिलसिला अभी भी जारी है। दिसंबर में बेरोजगारी की दर बढ़कर 7.7% तक पहुंच गई। एक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2019 में देश में बेरोजगारी की दर 7.48% थी, जो दिसंबर में 7.7% तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक त्रिपुरा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर 20% से ज्यादा है। कर्नाटक और असम में बेरोजगारी की दर सबसे कम 0.9% है। त्रिपुरा में बेरोजगारी की दर 28.6% और हरियाणा में 27.6% है। इसी तरह शहरों और गाँव में भी बेरोजगारी की दर बढ़ी है। शहरी बेरोजगारी दर दिसंबर में 8.91% है, जो नवंबर में 8.89% थी। वहीं ग्रामीण भारत में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर 7.13% हो गई, जो नवंबर में 6.82% थी। ये आंकड़े बताते हैं कि नए साल में मोदी सरकार के सामने बेरोजगारी बड़ी चुनौती बनी रहेगी, जिसे दूर करने के लिए अब सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, ये देखना होगा। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।